गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुदीना विद तुलसी के बारे में। डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं, जैसे कि गैसेस का बनना, इनडाइजेशन, स्टमक एक या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आपके लेकर आए हैं पुदीना विद तुलसी, जिसमें जैसे कि नाम से जाहिर है दो जड़ी बूटियां हैं, पुदीना और तुलसी, जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर रखती हैं। ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, सेल्फ हीलिंग में मदद करता है, इन्फेक्शंस को दूर करने में मदद करता है और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। तुलसी एक जर्मिसाइडल, फंगिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के साथ है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके इतने सारे फायदों के कारण तुलसी कई घरों में पूजी भी जाती है, तभी करके तुलसी को हॉली बेसिल या पूजनीय तुलसी के नाम से भी जानते हैं। पुदीना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठंडक प्रोवाइड करता है, जो दर्द रहता है पेट में उसको दूर करने में मदद कर सकता है, गैसेस को, इनडाइजेशन को दूर करता है और पेट के मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, अपने हाजमे को अच्छा रखने के लिए, पेट दर्द, गैसेस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को दूर करने के लिए आप ले सकते हैं पुदीना विद तुलसी। कैसे लेना है? एक से दो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आप दिन में ले सकते हैं या जब भी आपको जरूरत लगे आप इसको एक या दो कैप्सूल इकट्ठे भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पूरी डिटेल्स आप सुनिए इस वीडियो में। ऑलमोस्ट रहता ही है एंड देन पुदीना वी आर टेकिंग इन द फूड। हम खाना खाते हुए पुदीना का काफी चटनी वगैरह भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पुदीना और तुलसी जो होता है एक साथ क्या करते हैं, हमारे स्टोमक का जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर भगाते हैं। कैसे दूर भगाते हैं? जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि पुदीना का जो बेनिफिट है हम लोगों ने शेयर किया, फिर से शेयर करेंगे एंड तुलसी का भी बेनिफिट हम शेयर करेंगे। पहले जान लेते हैं, कभी कभार हम लोग खाना खाते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, नॉर्मली देखा जाता है कि हमारा चैलेंजेस आता है और ये पुदीना तुलसी जो होते हैं, हमारा पुदीना तुलसी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट ही है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि ऑटोमेटिकली इसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए और हमें राहत मिले। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस वगैरह, पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। साथों साथ आज के डेट में जो इम्यूनिटी लेके हम बात करते रहते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करवाता है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा तुलसी के बारे में। जब भी आप कुछ खाना खाते हो सकता है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग फैक्टर, बिकॉज ऑफ द जहां से आपने खाना खाया, स्पेशली आउटसाइड फूड जब खाते हो तो काफी सारा जम्स आपके फूड में जा सकता है, जिसके कारण से आपके पेट में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके स्टोमक का चैलेंजेस आ सकता है। तुलसी जो है इज अ पोटेंट जर्मिसाइडल, जम्स किल कर सकता है, फंगिसाइडल, फंगस को भी किल सकता है, बैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज तुलसी में है। एंड इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, जो कि हमें कोई भी बीमारी के अगेंस्ट में फाइट करने में हमें हेल्प करता है। देन पुदीना विच प्रोवाइड क्विक रिलीफ, जो भी आपके चैलेंजेस होता है, स्टोमक एक या गैस का प्रॉब्लम या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे स्टोमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो हमें एक्चुअली काफी टाइम पे रिलैक्स करना जरूरी होता है, ये जब आप पुदीना लेते हो ना, इट गिव्स अ रिलैक्सेशन टू योर स्टोमक के जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको भी रिलैक्स करने में हमें सपोर्ट करता है। नाउ इफ वी से कि ऑल टुगेदर ये दोनों मिलके काफी सारा बेनिफिट हमें देते हैं, स्पेशली फॉर डाइजेस्टिव केयर में। ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल भी इसमें मिलते हैं हमें और ये काफी सेफ है। ये हमारे स्टोमक के अंदर जो बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं या फंगस का ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, हमारे स्टोमक को कूलिंग करके रखते हैं, कूल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एसिडिटी से, ब्लोटिंग से, फ्लॉक्टुरेंस, हार्ट बर्न, स्टोमक डिस्कम्फर्ट से। अगेन इट विल ऑल्सो हेल्प इन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम लोग IBS के नाम से जानते हैं। नाउ इसका भी खाने का तरीका जो है, इट्स सिंपल वे, जब भी आपका जरूरत होता है 1-2 सॉफ्ट जेल आपको लेना चाहिए। अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। Now we can say कि we are having some other product also, जैसे कि well category में काफी सारा foundation product है। अगर आप देखोगे overall well category में, we are having आमला juice, that also good for your digestions। हमारे पास क्या है, aloe vera juice, that is also good for your digestions। Even noni is also good for your noni tablet, noni juice, जो भी है, that is also good for your
डाइजेशन या स्टमक के प्रॉब्लम में काफी सपोर्ट कर सकता है। सो अगर डाइजेस्टिव केयर करना चाहते हो, अगर आपके स्टोमक को हेल्दी रखना चाहते हो और जो भी आप खाते हो उसको सही ढंग से उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, देन आई वांट टू से कि आपको अपना सिस्टम को ठीक करने के लिए यू हैव टू टेक आपको अमृत शक्ति या पुदीना तुलसी लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़े दोनों को लीजिए। इफ यू वांट मोर देन आपको एलोवेरा जूस या नोनी जूस या आप जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको, जो हमारे जूस वगैरह है उसको आप ले सकते हो।